नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सालार वर्सेस रिंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सालार और रिंकी का अब जो खेल है वो लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे कलेक्शंस 1-2 करोड़ की रेंज में आ गए हैं और धीरे धीरे ये लाखों में आ जाएंगे। मंडे तक ये लाखों में आने शुरू हो जाएंगे। तो अब कोई ज्यादा कुछ नहीं है, अब जो कुछ कलेक्शन कर लिया है, जो कमाई करनी थी वो कर चुके हैं ये, और अब आगे कोई ज्यादा कमाई के चांसेस है नहीं। और जो भी अचीवमेंट करना था इन फिल्मों को ऑलरेडी ये अचीव कर चुकी है। सालार सुपर हिट हो चुकी है और डंकी को भी करीब करीब सेमी हिट टू हिट का वर्डिक्ट मिल जाएगा जिस प्रकार का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, जहां तक सालार की बात करें तो सालार का जो कलेक्शन है कल का वो करीब करीब दोस्तों 2.24 करोड़ रुपीज का है। ट्यूजडे को डे 19 का इसका कलेक्शन 2.24 करोड़ का है, जिसमें से हिंदी का 1.40 करोड़ और तेलुगु का दोस्तों 70 लाख रुपए का है। हिंदी का काफी अच्छा कलेक्शन अभी भी आ रहा है और हिंदी में फिल्म 150 करोड़ पार कर चुकी है। नेट कलेक्शन के मामले में 150 करोड़ कर चुकी है, एक बड़ी बात है। तो हिंदी में फिल्म हिट हो चुकी है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, टोटल इसका कलेक्शन हो जाता है 397.98 करोड़, मतलब कि 397.98 करोड़, मतलब 398 करोड़ का कलेक्शन, मतलब आज 400 करोड़ हो जाएगा फिल्म का कलेक्शन। तो 400 करोड़ नेट कलेक्शन फिल्म का हो जाएगा और फिल्म सुपरहिट हो चुकी है ऑलरेडी। और दोस्तों, जहां तक बात करें कि आज के कलेक्शन की, तो आज भी फिल्म कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन करने वाली है अपने 20वें दिन यानी कि बुधवार को, जो फिल्म के कलेक्शन को 400 करोड़ ले जाएगा। और अगर इसका जो ट्रेड का फिक्र माने तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 600.45 करोड़ हो गया है 18 दिनों का, और अगर प्रोड्यूसर फिक्र माने तो करीब 703 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। तो ये सालार का लेखा जोखा है। अब कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, मुझे लगता है कि करीब 415-420 करोड़ तक ये फिल्म जाएगी नेट कलेक्शन के आधार पर अपने लाइफ टाइम में, और जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो करीब 700 करोड़ के आसपास इसका रहने वाला है। और अगर ट्रेड की माने तो करीब 620 करोड़, 625 करोड़ के आसपास इसका लाइफ टाइम पे ये फिल्म एंड होगी। तो फिल्म डेफिनेटली सुपरहिट हो चुकी है, हालांकि मेकर्स इसको ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। आप बताइएगा क्या है। और जहां तक बात करें डंकी की, तो डंकी का दोस्तों जो कल का कलेक्शन आया है 20वें दिन का ट्यूजडे का, 1.43 करोड़, 1 करोड़ 43 लाख का आया केवल, और इसका टोटल हो जाता है 219.40 करोड़ रुपीज। और दोस्तों, जहां तक के इसकी बात करें आज की, तो आज ये फिल्म करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास कमाई करेगी, जो इसके कलेक्शन को करीब 221 करोड़ के आसपास लेके जाएगी। तो इसका जो ग्रॉस कलेक्शन है वो ट्रेड के अनुसार तो 430 करोड़ है, और जो प्रोड्यूसर फिगर है वो 447 करोड़ रुपए का है। तो इसका भी 450 करोड़ के आसपास पैकअप हो जाएगा, हालांकि हो सकता है कि 500 करोड़ तक फिल्म को लेके जाए। प्रोड्यूसर का जो फिगर आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा है, और जो नेट कलेक्शन है वो मुझे लगता है कि करीब करीब 240 करोड़ के आसपास इसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन रहने वाला है। तो फिल्म को सेमी हिट टू एवरेज का वर्डिक्ट मिलना चाहिए। हिट का वर्डिक्ट भी दिया जा सकता है, अगर फिल्म का बजट 200 करोड़ है तो फिल्म को हिट का वर्डिक्ट भी दिया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस कलेक्शन में सालार की जो जीत हुई है, हालांकि डंकी भी अपनी इज्जत बचाने में सफल रही है क्योंकि हिंदी में अच्छा कलेक्शन किया है और ओवरसीज से ही फिल्म को अच्छा कलेक्शन मिला है, बल्कि सालार से ज्यादा मिला है। सालार को 135 करोड़ के आसपास और डंकी को 163 करोड़ के आसपास ओवरसीज से कलेक्शन मिला है। और साउथ में सालार का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है, और निजाम वगैरह में, तेलुगु स्टेट्स में, और साउथ में डंकी का सुनने मतलब बहुत ही कम नाम के बराबर कलेक्शन आया है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो सालार बहुत आगे है डंकी से, और इस कलेक्शन को जीतने में सफल रही है। प्रभास ने साबित कर दिया कि वो पैन इंडिया स्टार है, और शाहरुख खान की फिल्में अगर बिना क्लेश के रिलीज होती है तो बहुत अच्छा कलेक्शन करती है, लेकिन अगर क्लेश में फंसती है तो अन्य स्टारों की तरह उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये पठान जवान तथा डंकी ने सिद्ध कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।